हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं टाटा पंच एडवेंचर 1.2 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन की। फ्रंट लुक देखेंगे तो फ्रंट लुक पे यहाँ पर टाटा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ब्लैक कलर की पूरी एक ग्रिल टाइप में ये आपको दिखाई देगा। इसका पूरा फ्रंट में यहाँ पर इंडिकेटर दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो है, हम हॉर्न की बात करें तो थोड़ी अलग इसमें स्पेस है जो हॉर्न की तेज़ आवाज़ आए। और यहाँ पर इंडिकेटर आप देख ही रहे हैं। नीचे की साइड में एडजस्टेबल हेडलाइट जो कि हेलो हेडलाइट है। फॉग लाइट आपको अलग से लगवानी पड़ेगी, फॉग लाइट इसमें मॉडल में नहीं आती। रेडिएटर और नीचे की साइड में यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी है, कुछ कार नीचे से कवर भी है। प्रीमियम लुक में एक फ्रंट लुक इसका दिखाई देता है, मतलब कि एक बहुत ही अच्छी प्रीमियम लुक में ये कार आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर थोड़ा फ्रंट लुक देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको ये फॉग लाइट तो अलग से लगवानी है। फ्रंट लुक देखेंगे तो फ्रंट लुक एक काफ़ी प्रीमियम लुक में दिखाई देता है। ये कार को आप कहीं भी लेके जाएंगे तब भी आपको एक ऐसा महसूस होगा कि हाँ भाई, आप एक ब्रांड कार को चला रहे हैं। ऊपर की साइड में देखेंगे तो दो वाइपर यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर वाइपर मिल गए। अब आते हैं हम इसकी टायर प्रोफाइल में, तो यहाँ पर आपको व्हील कवर मिल जाएंगे, एलॉय व्हील नहीं मिलते। और फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से देखेंगे तो इंडिकेटर आपको रियर व्यू मिरर पर आपको इंडिकेटर भी मिल जाएगा। ऊपर की साइड में पावर एंटीना मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड वाला यहाँ पर नहीं मिलता। और यहाँ पर हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये पूरी कार हमें दिखाई देगी। और इसको ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डुअल टोन में पूरा डोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से लॉक अनलॉक करने का सारा सिस्टम और ये आप देख रहे हैं। और रियर व्यू मिरर को सेट करने का इलेक्ट्रिक फोल्ड वाले ये मिरर हैं। और यहाँ से चारों विंडो पावर का ऑप्शन, लॉक करने का, पावर विंडो को लॉक करने का ऑप्शन मिलता है। कुछ स्पेस और स्पीकर का ऑप्शन भी यहीं पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर फ्यूल टैंक ओपन करने का एक ऑप्शन मिलता है, आगे बोनेट ओपन करने का ऑप्शन मिलता है, तीन पैंडल मिल जाते हैं। तो यहाँ से बोनेट करा ओपन और देखते हैं हमें क्या मिलेगा। इंजन के बारे में हम बात करें तो इंजन इसमें 1.2 लीटर वाला रिवोट्रॉन इंजन मिलता है जो 1197 सीसी में आता है। मैक्सिमम पावर 117.7 bhp पावर जनरेट करता है 6000 rpm पर। मैं बोनेट को खोल लेता हूँ और फिर मैं अंदर से भी दिखाऊँगा। ये थोड़ा खुल नहीं रहा, अभी खोलते हैं इसको और यहाँ से खुल जाएगा, क्योंकि मैंने कभी ये बोनेट खोला नहीं। और जैसा कि मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो ये जो है 115 Nm पावर जनरेट करती है 3250 rpm पर। तीन सिलेंडर इंजन ये कार में आपको मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन में। बोनेट इसका इतना भारी है, अगर मारुति की कार के बोनेट से कंपेयर करा जाए तो उसके दो बोनेट, दो नहीं तो डेढ़ बोनेट और इसका एक बोनेट बराबर वजन में आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मतलब कि मैंने आपको दिखाई दिया कितना भारी है। और ये कुछ इस प्रकार से पूरा केबिन दिखाई देता है, अंदर से डुअल टोन में डैशबोर्ड दिखाई देगा। अंदर बैठते हैं तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा, मैं एक एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। तो की का एक ऑप्शन तो यहाँ पर मिलता है, की लगने का, कीलेस एंट्री है इस कार के अंदर। यहाँ पर आपको ये जो आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक मल्टी ट्रिप मीटर, ग्लव कंपार्टमेंट काफ़ी बड़ा, डिजिटल क्लॉक और डिजिटल ऑटोमीटर है। लो फ्यूल वार्निंग लाइट का भी ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर एडजस्टेबल स्टेयरिंग नहीं है, स्टेयरिंग पर टाटा की ब्रांडिंग। और यहाँ पर एयरबैग मिलता है, कुछ म्यूज़िक को चलाने के ऑप्शन, यहाँ पर लाइट को चलाने के ऑप्शन, यहाँ पर वाइपर चलाने के ऑप्शन, तो कुछ ऑप्शन मिलते हैं। डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स इस कार के अंदर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो छोटी सी एक स्क्रीन मिलती है। और यहाँ पर नीचे की साइड में बीच में दो AC वेंट और बीच में एक बटन मिलता है चारों इंडिकेटर एक साथ जलाने का, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। और ये म्यूजिक को चलाने का ऑप्शन है। और यहाँ से AC कंट्रोल करने का और हीटर कंट्रोल करने का ऑप्शन है। और यहीं पर आप 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाएगा आपको, और USB ऑक्सिलरी इनपुट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से चार्ज भी कर सकते हैं आप अपने मोबाइल को कुछ स्पेस। 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स में गियर लीवर मिलता है, कुछ फिनिशिंग इस प्रकार से, और लेदर का ये पूरा सिस्टम मिलता है। यहाँ कुछ नहीं है, हैंड ब्रेक है। और ये आप देख रहे हैं तो सीट बेल्ट कनेक्ट करने का ऑप्शन, कप होल्डर, और यहाँ पर डे नाइट वाला मिरर लाइट, और यहाँ पर आप वैनिटी मिरर देख रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम इस कार के अंदर मिल जाता है। और सभी सीटों पर आपको हैंडल मिल जाएंगे पकड़कर बैठने के लिए, सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट वार्निंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि छोटी कार है तो ऐसे फीचर्स इस कार के अंदर बहुत अच्छे हैं। और जैसे मॉडल भी ये छोटा है, बहुत बड़ा मॉडल नहीं है, तो मॉडल के हिसाब से भी फीचर्स ठीक ठाक दिए गए हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। पैसेंजर डोर को ओपन करने के बाद वही सब चीज़ मिल जाती है यहाँ पर, और मिलती है सिर्फ सिंगल में। जैसे कि पावर विंडो का एक ऑप्शन है, और ड्राइवर सीट पर आपको सभी पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर AC वेंट
और डुअल टोन में पूरा डैक्सबोर्ड, यहाँ पर ग्लव बॉक्स, और ग्लव बॉक्स भी कितना स्मूथ नीचे की साइड में आता है आप देखिए, ये देखिए, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं है, आगे की साइड में एयरबैग आपको मिल जाएगा। तो दो एयरबैग इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सभी सीटों पर यहाँ पर हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वाले हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं और इनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार अप डाउन कर सकते हैं। पीछे वाली रो में देखेंगे हमें क्या क्या मिलता है। तो पीछे वाली रो में यहाँ से करते हैं ओपन, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से ही देखने को मिलेगा। मैं पूरा गेट नहीं खोल सकता क्योंकि ये कार थोड़ी दीवार के साइड में खड़ी है, तो कुछ इस प्रकार से पूरा लुक दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्यूल टैंक का ऑप्शन मिल जाता है, जो 37 लीटर का फ्यूल टैंक है, और ये माइलेज 20.9 किलोमीटर का देती है जैसे कि आप चलाएंगे। तो पीछे पंच लिखा हुआ है और टाटा की ब्रांडिंग, इसको करेंगे ओपन। और बूट स्पेस इस कार के अंदर 336 लीटर का मिलेगा, पीछे की साइड में आप देख रहे हैं। और यहीं पर स्टेपनी का टायर मिल जाएगा और कुछ टूल्स भी यहीं पर मिलेंगे जो कंपनी आपको देगी। तो ये सारा सिस्टम है और पीछे का लुक कुछ इस प्रकार से दिखता है। जब आप पार्किंग करेंगे, ये आप यहाँ पर लाइटें भी हैं, यहाँ से ओपन करेंगे इसे। अब जैसा कि आप पार्किंग करेंगे तो इसमें सेंसर भी हैं, सेंसर भी काम करेंगे। यहाँ पर हैंडल है, हैंडल को पकड़कर आप बंद कर सकते हैं इसको। यहाँ पर लाइटें कुछ इस प्रकार से दी गई हैं, तो लाइटें भी काफ़ी अच्छी हैं। और ये सेंसर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं दो सेंसर इसमें दिए गए हैं। जब पार्किंग करेंगे तो ये आपको थोड़ा गाइड करेंगे। और पीछे वाले जो आपके व्हील हैं, इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते, ड्रम ब्रेक मिलेंगे। यहाँ से करते हैं ओपन, तो ये डोर कुछ इस प्रकार से, ये डोर तो सभी एक जैसे ही हैं। और यहाँ से कुछ डुअल टोन में पूरा गेट है, और ये जो गेट की प्लास्टिक है बहुत ही हैवी प्लास्टिक है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैंने पूरी ये छुआ है टाटा की सभी कारों में। बहुत अच्छे से आपको जो क्वालिटी है बहुत अच्छी मिलेगी। पीछे वाली जो सीटें हैं उस पर हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, और कुछ इस प्रकार से पूरा लुक, पूरा केबिन इस प्रकार से दिखाई देता है। थोड़ा हम सेफ्टी फीचर की बात करें तो ABS सिस्टम, सेंटर लॉक, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और एडजस्टेबल सीट, क्रश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग का ऑप्शन इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो सेफ्टी के नाम पर इतने फीचर मिल जाते हैं, ये भी काफ़ी हैं। दो एयरबैग मिलते हैं तो वो भी ठीक है, जैसे कि छोटा मॉडल है यानी कि नीचे वाला मॉडल है, तो यहाँ पर दो एयरबैग आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस कार की हाइट की। तो हाइट इसकी 1615 mm है, लेंथ 3827 mm है। इस और इसमें चार स्पीकर मिलते हैं, इंटीग्रेटेड टूरिन ऑडियो और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला सिस्टम मिल जाता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इस कार के प्राइस की, इसके प्राइस क्या होने वाले हैं। तो इस कार के प्राइस एक्स शोरूम कीमत 684,000 रुपये है, वहीं पर ऑन रोड कीमत 770,000 रुपये के समथिंग देखने को मिलेगी। और इसके बेस मॉडल की कीमत 600,000 और टॉप मॉडल की कीमत 947,000 रुपये देखने को मिलेगी एक्स शोरूम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।